शांति समिति की बैठक में उपस्थित हुए एडिशनल एसपी दिनेश कुमार कौशल ने सभी विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की। चर्चा में कहा कि ना डीजे बजेगा ना नाचते प्रतिमा विसर्जित होगी, इस बात का ध्यान रखा जाए, ये प्रशासन की जिम्मेदारी है। हिंदू उत्सव समिति के सदस्य एवं अध्यक्ष धीरज नामदेव ने बताया कि बेरसिया नगर में निकलने वाले दुर्गा चल समारोह में जो झांकी अच्छे संदेश के साथ निकाली जाएगी उसे हमारी तरफ से पुरस्कृत किया जाएगा। इसके बाद एडिशनल एसपी ने थाने में पहुंचकर मूर्तिकारों की बैठक ली। बैठक में निर्देश दिए कोई भी मूर्तिकार पीओपी की मूर्ति नहीं बनाएगा, इससे तालाब का पानी दूषित होता है। उन्होंने नदी के सीढ़ी घाट का जायजा लिया। चल समारोह में विसर्जित होने वाली प्रतिमाओं के लिए जगह चिन्हित की और नगरपालिका को निर्देश दिए। एडिशनल एसपी ने अपने स्टाफ को आगामी त्योहारों के लिए सुरक्षा दृष्टि के निर्देश दिए। आपने जो बैठक ली उस आज बैरसिया थाने के अंतर्गत जितने भी शांति समिति की बैठक थी, शांति समिति के सदस्य उनकी बैठक ली गई। कई चीजें हम लोगों ने इस बार डिसाइड की है, जिला प्रशासन ने डिसाइड किया है। बैठक में यूपी साहब, टीआई साहब और हमारा बल, चारों थाना प्रभारी और अन्य सभी गणमान्य नागरिक थे, जिसमें एमपीबी वाले भी और पीडब्ल्यूडी और नगर पालिका अध्यक्ष सब लोग थे। उसमें डिसाइड किया गया कि 6 फुट से ज़्यादा मूर्ति ना बनाए और यदि इस बार बन गई है तो उसका रजिस्ट्रेशन सभी का होगा और हम लोग उस पर नज़र रखेंगे। पीओपी की मूर्ति कहीं भी स्थापित नहीं होगी। जो परंपरागत रूट है उसी मार्ग से ले जाके जो विसर्जन स्थल है वहाँ जाएंगे, क्रेन के माध्यम से होगा, पब्लिक पानी के अंदर नहीं जाएगी। बाकी व्यवस्था हमारी चाक चौबंद रहेगी, सभी चीज़ें रहेंगी। उसी तारतम्य में हम लोगों ने डीजे की मीटिंग ली है कि डीजे प्रतिबंधित रहेंगे, माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। और 2 साउंड और 2 चोंगे इनकी आप अनुमति लेके लगा सकते हैं, उसके तहत व्यवस्था रहेगी। बाकी मूर्तिकारों की व्यवस्था ली है और जो स्थापना कर रहे हैं वो भी, बाकी हम लोग अभी इसमें लगातार नज़र रखेंगे और जो अच्छी व्यवस्था हो सकती है वो करेंगे। दशहरा के बारे में भी बात हुई कि जहाँ पे दशहरा दहन होगा वहाँ हम लोग व्यवस्था रखेंगे और इनके वॉलंटियर्स भी हर जगह रहेंगे। रात्रि में प्रतिमाओं को अकेले की कोई हालत में नहीं छोड़ेंगे, उनके वॉलंटियर्स अनिवार्य रूप से